प्यारे बच्चों, हमारी इस हरी भरी दुनिया में हमारे आसपास ढेरों चीजें हैं, जिनमें से कुछ हम देखते हैं और कुछ महसूस करते हैं। उनमें से कुछ चीजें हैं जो हम पकड़ पाते हैं और कुछ चीजें जिन्हें पकड़ने की हम केवल कल्पना कर पाते हैं। क्या आप मुझे सोचकर बताएंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो पेड़ के पत्तों को हिलाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो पतंग को आसमान में ऊंचा ले जाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो गर्मी में पंखा चलाने पर हमारा पसीना सुखाती है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वो है हवा। और आज मैं हवा से जुड़ी हुई एक मजेदार कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हवा रानी मुन्नी से कुछ बातचीत कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं इस मजेदार कविता को सुनने के लिए और जानने के लिए कि मुन्नी और हवा रानी के बीच क्या बातचीत हो रही है? ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर। हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। तो बच्चों, है ना मजेदार कविता? क्या आप इसे एक बार मेरे साथ गाना चाहेंगे? मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार हम मुन्नी को भी बुला लें। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। हेलो। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस कविता को गाने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर। हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। बहुत मजेदार कविता है। और मुन्नी, क्या शानदार तरीका तुमने सोचा है कि हवा को फुग्गे में ही बंद कर लिया जाए, है ना? बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। वैसे बच्चों, मान लीजिए मुन्नी हवा से भरे हुए ये फुग्गे आपको दे देती है, तो भला आप उसका क्या करेंगे? सोचिए सोचिए, और चित्र भी बनाइए, कुछ शब्द भी लिखिए। यहाँ कुछ शब्द आपके लिए दिए भी गए हैं, हवा, फुग्गा, खेल, मुन्नी। तो बच्चों, अब आप बनाइए कुछ रंग बिरंगे चित्र और ऐसे ही कुछ और शब्द भी लिखिए। मैं और मुन्नी आपसे फिर मिलेंगे। बाय।